There are two sides to Amit Bhaiji. One is the soft family man. The other is the perception of a hard politician, which is the real Amit Shah. देखिए, जहाँ तक perception का सवाल है, वो कुछ घटनाओं के कारण हुआ है. मैं इसमें किसी को दोष देना नहीं चाहता. अब मैं नेशनल पॉलिटिक्स में हूँ. धीरे धीरे मेरा काम देखते 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 परसेप्शन अपने आप बदल जाएगा और मैं ज़्यादा इसकी चिंता भी नहीं करता है. एक बात. दूसरी बात, मैं पॉलिटिक्स के अंदर मेरे पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हूँ. मेरी पार्टी के विचार के माध्यम से देश का भला करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में हूँ. मुझे लगता है कि मेरे बारे में जो मान्यताएं बनी हैं वो ऐसा कहना ठीक नहीं है. मेरे साथ अन्याय है क्योंकि घटनाएं तो हुई है, मगर उस घटनाओं के सिर्फ उस घटनाओं के आधार पर मान्यताएं नहीं बनानी चाहिए थी. You know, can I ask you something about elections from 1991? You can ask in Gujarat. 1998, every election your vote went up, your seats went up. Since 1990, every election your votes went down, your seats went down. Now people say you are winning. What have you done that others couldn't have done? What is that you have done in the last 6 months? Because the votes were coming down every time to 17% from 35% in 4 elections. So why could this not have been done earlier? What have you done this time that could have been done? देखिए, दो घटनाएं देश में एक साथ होगी. भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकारें 5-6 राज्यों में लंबे समय तक चली हैं. वो 5-6 सरकारों का परफॉर्मेंस और यूपीए 1 और यूपीए 2 का परफॉर्मेंस, दोनों का एक तुलनात्मक खाका लोगों के सामने निर्णय करने के लिए आज उपलब्ध है. एक जमाना था, हम जनसंघ के जमाने से यही विचार को लेकर, यही पॉलिसी को लेकर काम कर रहे हैं. कोई ज्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ. दुनिया में जितने बदलाव हुए हैं और उसको देखकर पॉलिसी में जितना बदलाव होना चाहिए वो उतना ही जनसंघ की पॉलिसी में हुआ है. मगर आज देश के सामने दो शासन के मॉडल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक यूपीए का. पहले हमारे पास सिर्फ बातें थी. हम कहते थे हम अच्छा करेंगे, हम कहते थे हम ठीक से शासन करेंगे, किसी की प्रताड़ना नहीं होगी, कहीं पर भेदभाव नहीं होगा. ये सब बातें पहले हम कहते थे. अब ऐसा नहीं है. हमने 12-15 सालों में ये कर दिखाया है. गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह पे हमारे शासन को बाय एंड लार्ज ठीक ठीक लोक समर्थन भी मिला है और उन राज्यों के विकास के लिए हमारे शासन ने काम भी किया है. जस्ट आस्किंग, द हेडलाइंस इन ऑल द पेपर्स आर दे आर गोइंग टू, कांग्रेस इज अनाउंस्ड दे आर गोइंग टू हैव अ जज अपॉइंटेड फॉर स्नूप गेट बिफोर द 15th. व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? देखिए, मेरी इसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देना इसलिए उचित नहीं होगा कि उसमें मुझ पर भी आरोप लगा है और एक न्यायिक जहां चाहे गुजरात में काम कर रहा है. मगर मैं इसके पॉलिटिकल पहलू को जरूर एड्रेस करना चाहूंगा कि इस देश में बड़े बड़े करप्शन जितने इस सरकार के समय में सरफेस पर आए हैं, घोटाले उतने शायद ही कभी किसी सरकार के समय में आए हैं. 2G का हो, आदर्श का हो, कोयले का हो, रक्षा सौदों का हो, हर क्षेत्र में घोटाला बाहर आया है और हर जगह पे कहीं ना कहीं जांच रखी है. कहीं जगह पे कमीशन भी बने. आदर्श में कमीशन बना, क्या हुआ? रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया. सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया. अगर इतने बड़े बड़े घोटाले की रिपोर्ट ये सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है और जिसमें ऑलरेडी एक कमीशन काम कर रहा है, उसमें दूसरा कमीशन अपॉइंट करने की अगर कोई सोच रहा है और मॉरल अथॉरिटी खत्म होने के बाद, जबकि चुनाव देश का चल रहा है, उनको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि बदलाव होने जा रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी नहीं है वैसे, सच्चाई तो यही है. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो खैर छोड़िए, कह सकते हैं कि वे अभी भी हम पावर में इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर मॉरल अथॉरिटी तो चुनाव की घोषणा होते ही खत्म होती है. उसके बाद में इसका अपॉइंटमेंट तो कांग्रेस की ट्रेडिशनल विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसका एक और सगुफा है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता. ओवर द लास्ट 10 or 15 years द स्टेट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. The central government really is on top, but finally it's the states that make the country. There are many states which are politically opposed to you, and you need a man, say Mr. person like Mr. Vajpayee, could get everyone to come together. Do you think that Mr. Modi has similar characteristics which allow him to bring the different states? Because we can only move forward if we move together. देखिए, मैं मानता हूँ देश संविधान से चलना चाहिए और संविधान की हमारी जो व्यवस्था है वो संघीय ढांचे की है.
मोदी और वाजपेयी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान के दायरे में चलना चाहिए और अगर मोदी जी का शासन आता है तो देश ठीक तरह से संविधान के ढांचे के अंदर ही चलेगा। See, we have been traveling on the election and heard all the charges against you and the attack against you. But your own supporters, BJP people, have told us on many occasions, why doesn't he just apologize and get over with it? Aage chalo. Why you not apologize? Why did you take that route? Apologize and get over for misunderstanding, whatever. देखिए मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ। सार्वजनिक जीवन में माफी के ढकोसले को निकाल देना चाहिए। अगर दोषी था तो उसको दंडित करना चाहिए, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो। दोषित व्यक्ति को फौरी तौर पर शब्दों से माफी मांगकर छोड़ने की व्यवस्थाएं बंद करनी चाहिए। देश में संविधान बना है, चीजों को तय करने का फोरम बने हैं, वो फोरम में एक बार हो जाए तय क्या है, माफी से क्या होता है? आप ऐसा मानते हैं माफी मांगने से गुनाह खत्म हो जाता है? तब तो ठीक है, हर किसी को माफी मांग लेनी चाहिए, कोर्ट क्यों बनाई है? See what happened in South Africa. तो क्यों स्पेशल फेवर पब्लिक लाइफ के लोगों को मिलना चाहिए माफी का? अगर कोर्ट बनी है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें से हर एक व्यक्ति को गुजरना चाहिए। मैं भी मानता हूँ मुझे भी गुजरना चाहिए। मुझे अब मुझ पर आरोप है या मेरे बारे में कुछ भी है या किसी पर भी है तो वो संवैधानिक व्यवस्था से बाहर होना चाहिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। साउथ अफ्रीका की बात के दौरान आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना था तो सब लोगों ने आके बोला, चाहे वाइट थे, चाहे ब्लैक थे, चाहे पुलिस वाले थे, इंटेलिजेंस वाले थे, इंसर्जेंट थे, कि भाई ये सब हुआ, आप गले मिलके हम एक साथ मिलके रो लेते हैं। तो कुछ ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं होता? मेरा कोई बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका में सात अर्थ में ऐसी प्रक्रिया करने की जरूरत थी। वहां पर सालों तक प्रताड़ित किया गया था, घोरों कालों का भेदभाव था। मैं मानता हूं यहां केस अलग है। मीडिया ने बनाया हुआ परसेप्शन, हमारे विरोधियों ने किए हुए आरोप, इसी के आधार पर किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए और कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। वन अदर इश्यू व्हिच हैज कम अप इन द कैंपेन अबाउट डिवाइडिंग द नेशन एक्सेट्रा एंड द डिफरेंस बिटवीन 1984 एंड द गोधरा राइट्स 2002। पीपल आर सेइंग बोथ आर terrible acts, both should be punished, whoever's guilty should be punished, but the difference between the two is post the events. The other UPA had a Sikh prime minister, had a Sikh head of army, had a lot of Sikhs in its cabinet. You, they say, after 2002 have not had Muslims in your cabinet, have not appointed Muslim MLAs, MPs. Is that going to change? Dekhiye, isme aisa hai ki ये जो परसेप्शन बना है वो हम शासन के बाद ही तोड़ सकते हैं। वो कोई छोटी मोटी घटनाओं से नहीं टूटेगा, एक दो लोगों को टिकट देने से या एक दो लोगों को कैबिनेट में लेने से नहीं टूटेगा, सिंबॉलिक नहीं टूटेगा। मैं मानता हूं 1950 से कांग्रेस ने नाप लिया था कि उनको अगर कोई चैलेंज है तो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनता पार्टी है। एक बड़ी मेहनत से प्रयास किया गया है कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कॉम्युनल दिखाने का। मैं मानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब 30-35 साल से काम कर रहा हूं इसी विचार के साथ। मैं मानता हूं कि गलत परसेप्शन है और जब हमारा जहां जहां हमारा शासन हुआ आया है ये परसेप्शन टूटा है। देश में भी एक अच्छा स्टॉन्च सरकार आएगी तो ये परसेप्शन टूट जाएगा। इन अदर वर्ड्स, यू विल अपॉइंट मुस्लिम्स इन योर कैबिनेट इफ दे इफ देयर इज। मैं अपॉइंटमेंट को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब मेरिट आता है तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां आता है? मेरिट्स पे ही जाना चाहिए। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट दैट, देखिए मेरिट्स पे ही जाइए ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उस पर क्यों जाते हैं? दो मुसलमानों को अपॉइंट करने से मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा क्या? मैं नहीं मानता ऐसा। बट यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट? नहीं है। देखिए ऑन मेरिट इज व्हाट यू विल डू। जब मेरी पार्टी का शासन होगा और मुस्लिम भाइयों के मन में से भी ये जो शंकाएं हैं वो निकल जाएगी तो अपने आप चीजें आगे। यू विल चेंज द परसेप्शन बाय योर एक्शन। हमारे एक्शन से ही चेंज होना ही है, परसेप्शन गलत बना है। परसेप्शन बनने के लिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया पीपल, नॉट ओनली मीडिया पीपल, काफी चीजें हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीजें इकट्ठा होकर इतना बड़ा परसेप्शन बनता है। अमित भाई, आपसे ज्यादा नरेंद्र भाई को कोई नहीं जानता,
तो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए कि उनका व्यक्तित्व जो है, लीडरशिप स्टाइल जो है, वो कैसे बाकियों से डिस्टिंक्टिव है और आपको उसमें क्या खास करके पसंद आता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका उनके साथ पार्टी का भी है और पर्सनल भी है। देखिए, मेरा और नरेंद्र भाई का कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, जो वही रिश्ता है वो पार्टी के कारण है। एक, और मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने इनके साथ कैबिनेट में काम किया है, पार्टी के सहयोगी के नाते भी काम किया है, और अब वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है और मैं पार्टी का महासचिव हूं, इस नाते भी काम किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के अंदर एजेंडा को और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो पॉलिटिकल विल है, अक्रॉस द पार्टी शायद ही देश में किसी एक व्यक्ति के पास है। एक, वो डूअर है, बहुत मेहनती है, और मेहनत का फोकस देश और पिछड़ों का कल्याण ही होता है, ये मैंने बार बार देखा है और गुजरात में उसका परिणाम ही मिला है। दो, और तीन, हमेशा नए विचारों को, अच्छा विचारों का वो स्वागत करते हैं और उसको अपने साथ जोड़ने का भी ट्राई करते हैं। Why did Mr. Narendra Modi भाई contest in Banaras as well? Why not just in? He was going to win in Gujarat anyway. What is the rationale behind? नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि गुजरात सिंबॉलिक नहीं, गुजरात से उनका लॉन्ग एसोसिएशन रहा है, तो गुजरात से आना बड़ा स्वागत। He is going to win there. और लड़ना भी चाहिए, और हिंदी हार्ट बेल्ट में हमारा बहुत बड़ा समर्थन है, और हम पार्टी के सभी लोग मानते थे कि हिंदी बेल्ट में से कहीं पर से भी मोदी जी ने लड़ना चाहिए, इससे पार्टी की संभावनाओं को काफी बल मिलेगा, इसके कारण हमने वाराणसी को सिलेक्ट किया। वन लास्ट क्वेश्चन, डज इट हर्ट यू एट ऑल अबाउट द US नॉट गिविंग वीजाज एंड ऑल दैट, एंड विल दैट चेंज? यू थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज? चलिए, ये परसेप्शन जो बना है इसका ही एक पार्ट है, अपने आप बदल, दैट विल चेंज। मैं मानता हूँ कि चीजें अपने आप आगे बढ़ती है, अपने आप निकल। डिड यू फील अपसेट बाय इट? नहीं नहीं, अपसेट होने का कोई कारण नहीं, अपसेट क्यों हो गई? पर अमित भाई, लेकिन एक बात तो है कि अगर सरकार आती है आपकी, तो 5 साल का मौका है देश की राजनीति बदलने का, और ये जो एक आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है, सेक्युलर कम्युनल, ये परसेप्शन आप कहते हैं, आपको मौका, आप देखते हैं मौका है परसेप्शन बदलने का? देखिए, दो चीजें हैं, परसेप्शन अकेला हमारा एक्शन नहीं तोड़ पाएगा, उसमें मीडिया में भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर अकेला हमारा एक्शन तोड़ पाता परसेप्शन को, तो गुजरात के कारण ही अब तक ये परसेप्शन टूटना चाहिए। 2003 से 2014 तक एक भी ऐसी घटना नहीं जिसके कारण ऐसा सोचने का किसी को बल मिले। खैर, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल देश के संविधान के दायरे के तहत ही चलेगी और संविधान के हिसाब से, और सब नागरिकों को बराबर मानकर, बिल्कुल सब नागरिकों को बराबर मानकर चलेगी और संविधान के दायरे में, और स्ट्रिक्टली संविधान के दायरे में चलेगी। लेकिन अमित भाई, अब आप हमारे हाथ पड़ गए तो जाने ही दूंगा मैं एक बात so I noticed कि आप बात करते हैं कि सब बिल्कुल अब फेयरली काम करेंगे संविधान के दायरे में, लेकिन आपकी पार्टी एक चीज है, ये आपकी पार्टी और एक आपकी लार्जर फैमिली है, संघ परिवार, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, पर है हिंदू डिवाइडेड फैमिली, कई बार लगता है, कभी तो गड़िया कुछ कहते हैं, कभी गिरिराज सिंह कुछ कहते हैं, कभी बाबा रामदेव जो कि बीजेपी में नहीं है, तो इससे, और आपकी पार्टी हालांकि उसको बाद में डिसोन करती है, लेकिन इन लोगों को डिसोन, इन फोर्सेस को डिसोन क्यों नहीं करती है? तो क्या आप डिसिप्लिन पार्टी हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी बहुत से लोगों को मिलकर बनती है, और एक प्रोसेस होता है पार्टी बनने का। मेरी पार्टी क्यों? सब पार्टियों में इस तरह के अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग विचार रखने वाले और बेबाकी से बयानबाजी करने वाले लोग हैं। ये डेमोक्रेसी की नहीं, देख, अब सरफेस पर आई हुई माइनस पॉइंट है, क्या कर सकते हो? मिस्टेक ऑफ अ स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, मेरी बात नहीं हुई गिरिराज जी से, नहीं, पर क्या, बट योर, इन योर व्यू, अमित भाई वन सेकंड, जस्ट वन, नहीं नहीं, मेरे व्यू का कोई मतलब नहीं है। जब मोदी जी ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सबने संयम रखना चाहिए, वहां पर वो बात समाप्त होती है। पर ये कहना कि आप मुझे वोट नहीं दें तो आप पाकिस्तान जा रहे हैं, ये बहुत दिल को तोड़ने वाली बात है। मैंने कहा ना कि काफी तरह के लोग पार्टी में होते हैं, मगर पार्टी आप किसको मानते हैं वो आप पर निर्भर करता है। राजनाथ जी पार्टी है, नरेंद्र मोदी पार्टी है, लालकृष्ण आडवाणी पार्टी है, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज पार्टी। बट ही सेइंग शुड सम डिसिप्लिनरी एक्शन बी टेकन रादर देन जस्ट से। अब देखिए, चुनाव समाप्त होने दीजिए, क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, अभी तो सब चुनाव के मैदान में है। यू नो, व्हाइल देयर आर पीपल इन ऑल पार्टीज, देयर इज अ जनरल कंसेंसस, दिस इज द एरिया विद इन व्हिच वी ऑपरेट, देयर आर डिफरेंसेस, बट दीस पीपल आर व्हाई
right outside the area. They are not, you know, they are important people and yet... एक बार आप पार्टी चलाकर देखिए. Thank you very much. तो माला पड़ जाएगा. नहीं देखिए सर, सच्चाई ये है. Right sir, thank you. Longest, this is the longest 5 minutes ever. Thank you. Thank you very much.